करौल पंचायत ने नहीं कराया समय रहते पानी निकासी का इंतजाम, नतीजा अब घरों में भर रहा है गंदा पानी, रास्ते तालाब में तब्दील। खबर करौल से है, जहां एक ओर तो जिले भर में हुई अतिवर्षा के पानी से आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। इसके लिए कलेक्टर लोकेश जांगिड़ स्वयं क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पूरा जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं जुटाने में लगा है और जिन बस्तियों में पानी भर गया है वहां अधिकारी स्वयं पहुंचकर समस्या का हाल जान रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर करौल मुख्यालय की पंचायत जल भराव की लगातार शिकायत होने के बाद भी नगर की कुशवा बस्ती में पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं करवा पा रही है। पंचायत बिना समस्या की हकीकत जाने और समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने की जगह सिर्फ संबंधित को नोटिस जारी करने में अपना समय बर्बाद कर रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कुशवा बस्ती की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। इन गंदे रास्तों से लोग निकले भी तो कैसे निकले, अभी तो आलम यह है कि उनके घरों तक में गंदा पानी भर जा रहा है, जो फिलहाल में परेशानी के साथ साथ आगामी समय में बीमारियों का कारण भी बनेगा। कुशवा बस्ती निवासी लाला चौहान ने बताया कि मैं कई महीनों से इस समस्या के लिए करौल पंचायत में आवेदन दे चुका हूं, मगर सिवाय मुझे चक्कर कटवाने के आज तक कोई काम नहीं किया गया। अब मैंने करहल के उच्च अधिकारियों से भी इस मामले की शिकायत की है, यदि अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम मोहल्लेवासी कलेक्टर लोकेश जांगिड से जिम्मेदारों की शिकायत करने श्योपुर जाएंगे। देखिए करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे मोहल्ले में बरसात का पानी जिंदगी से निकलता था, अब इन साल बरसात का पानी रोक दिया। एक गली तो जगदीश काका की तरफ है, तो जगदीश काका ने बंद कर दी, और एक पनारो का नाम प्रेम के तरफ है, तो वो पनारा प्रेम ने बंद कर दिया। तो ये जटिल समस्या है हमारी, मतलब। अच्छा, तो उन लोगों ने यानी पानी को बंद कर दिया, पानी क्या बंद क्या समस्या आती है पानी भरने से? पानी हमारे घराने में भरो है, घर भर जाती है पानी से, बरसात का पानी निकल रहा है। आगे वाले जगदीश काका बंद कर रखा है, जगदीश काका तो तैयार है निकलने को, रोक रहा है पानी उधर से, उधर प्रेम ने रोक दिया दूसरी गली से। ये समस्या है, घरों में पानी भरा निकलने को जगह नहीं है। बताइए ये जो समस्या है पानी की, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारा कहना तो ये है, इनकी विचारों की तरह के मुहरम का बोला, हम तो मुहरम डालने को तैयार हैं, पाइप डालने को बोला पाइप लगाने को भी तैयार हैं, पर आगे आगे जो पानी निकलने वाले हैं वो नहीं निकालने दे रहे। अच्छा, हम तो सहमत हैं, जी चाहे तो मुहरम डलवा सकते हैं हमसे, पाइप भी डलवा सकते हैं, हम तो जो बोला उसमें तैयार हैं।